महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद एनसीपी और कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गए हैं। उद्धव का यह बदला रूप देखकर एनसीपी और कांग्रेस परेशान है, लेकिन उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ कोई भी मौका नहीं चूक रहे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में शरद पवार द्वारा दिल्ली में बुलाई गई मीटिंग पर जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर के इशारे पर शरद पवार ने गैर कांग्रेसी और गैर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग बुलाई थी। प्रशांत किशोर ने इस मीटिंग के लिए मीडिया में जबरदस्त कैंपेनिंग की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ रिटायर और पॉलिटिक्स से नकारे हुए नेता इकट्ठा हुए। आज की राजनीति में ना तो उनकी कोई वजूद है और ना ही कोई पहचान, लेकिन यह खेल भारतीय जनता पार्टी से निकाले हुए यशवंत सिन्हा, ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर का था। इस मीटिंग के फेल होने के बाद शिवसेना शरद पवार के ऊपर हमलावर हो गई है। शिवसेना शरद पवार के ऊपर सवाल दागा। इस मीटिंग का जितना बढ़ चढ़ कर बताया गया था उतना कुछ भी नहीं हुआ। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि राष्ट्र मंच के नाम पर विपक्षी दलों ने एक मीटिंग दिल्ली में शरद पवार के घर पर बुलाई थी, लेकिन मीटिंग का नतीजा कुछ भी नहीं निकला जितना कि मीडिया में इसको हाइप दिया था। सामना में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कुछ ही नेता इस मीटिंग में शामिल हुए थे। इस मीटिंग में कांग्रेस और शिवसेना को आमंत्रित ही नहीं किया गया। इस संबंध में सवाल पूछे जाने पर सामना के एडिटर और शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि शरद पवार बड़े नेता हैं और उन्हें बहुत से लोग सलाह देते हैं। इस मीटिंग को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही थी और मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विकल्प देने की बातें भी की जा रही थी। हालांकि मीटिंग खत्म होने के बाद एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा कि बैठक शरद पवार ने नहीं बल्कि टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने राष्ट्र मंच के बैनर तले बुलाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।